नमस्ते आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं ये व्लॉग ऑलमोस्ट एक महीने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि व्लॉग कैसे करते हैं। लास्ट वाला वीडियो जो मैंने या व्लॉग जो मैंने ये चैनल पे जो पोस्ट किया है वो दिवाली विश करने के लिए किया था। वो व्लॉग नहीं बोल सकते, इट्स लाइक जस्ट विशिंग यू टू योर फैमिली हैप्पी दिवाली एंड प्रॉपर व्लॉग जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्विक अपडेट ये है कि अभी ऑफिस का काम करने बैठा हूँ, और दूसरा चीज़ ये है कि मेरे घर में आप देख सकते हो कि ये बहुत सारा मेस पड़ा हुआ है कपड़ों का। सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, वेट अ मिनट आपको और दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी कपड़े हैं, एक तो यहाँ कपड़े हैं, ये सब मेरे नए कपड़े हैं। ये सबको आयन करके मेरे को इसको वापस मेरे क्लोजेट में रखना है। और साथ में देखो यहाँ पे मॉम अभी भी इस्त्री कर रही है, और ये पूरा कपड़ों का ढेर है। ये देखो ये पूरा, और ये ऑलमोस्ट एक महीने से मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपको मेरा क्लोजेट दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये पूरा खाली हो चुका है, ये पूरा आयन करके कपड़ों से भरेगा। तो मम्मी भी वहाँ पे कर रही है, और कुछ मैंने मेरे ये देखो ये वेस्ट कोट है, इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बिकॉज इसको मैं डालूंगा वापस अपने क्लोजेट के अंदर। इसको मेरे वार्डरोब के अंदर डालने वाला हूँ, बट अभी नहीं। ये पूरे कपड़े जो भी है आयन मम्मी कर देगी, होपफुली आज हो जाएगा, नहीं तो मैं मॉम का अभी थोड़ी देर में वापस हेल्प करने जाऊँगा, तो वो करूँगा। और ये कपड़ों को वापस मुझे वार्डरोब में सेट करना है, तो फिलहाल ये है। और साथ में मुझे मेरे ऑफिस का काम भी करना है, तो देखते हैं कि आज का दिन कैसे जाता है। अभी मैं थोड़ा काम करता हूँ, डायरेक्टली आपको फिर आफ्टरनून में मिलता हूँ। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये चैनल पे अभी फ़िलहाल डेली लाइफस्टाइल व्लॉग जैसा ही मैं कंटेंट प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज कि मेरा आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, साथ में मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ। यस, सो अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ तो मुझे ट्रैवल व्लॉग बनाने को मुझे मिलेगा नहीं, एंड ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, और पैसे के लिए चैनल मोनेटाइज होना ज़रूरी है। प्लस मेरी सैलरी जो भी आ रही है अभी फ़िलहाल, वो मुझे लोन रीपे करना है, मेरा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी है। तो वो सब करने के बाद हार्डली मेरे पास कुछ कैश बच जाता है, तो उससे मैं तो अभी फ़िलहाल तो ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। अभी एक बार है कि एक बार क्रेडिट कार्ड का लोन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास थोड़ा पैसा बचेगा, उसके बाद मैं ट्रैवल स्टार्ट करूँगा वापस। और वन मोर थिंग मैं बता देता हूँ, मैंने एक और चीज़ चालू की है, दैट इज़ ये आप देख सकते हो पानी में मेजरमेंट है, और ये ऑलमोस्ट मैं दिन की 4 बॉटल खाली करता हूँ, और ये पिछले 2 हफ्तों से चले आ रहा है। 2 हफ्ते से मैं 4-4 लीटर पानी पी रहा हूँ, एंड ये मुझे और हाइड्रेशन के लिए हेल्प करता है। उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ की है कि मैंने स्ट्रिक तोड़ने का प्लान नहीं किया था, बट वो फ़िलहाल हो गया। मैंने पिछले 2 से 3 हफ्तों से मैं 5 दिन शुगर कंज्यूम नहीं कर रहा था, बट देन दिवाली आई, तो दिवाली में फिर 4 दिन मैंने शुगर मिठाई वगैरह वो सब कंज्यूम कर लिया। उसके बाद मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तो फिर उसमें ऐसा शुगर कंज्यूम नहीं करने का ऐसा हो रहा था, बट देन कर लिया। तो आप मान सकते हो कि मैं 5 दिन नहीं करता हूँ, और लास्ट के जो 2 दिन है उसमें मैं बहुत कम शुगर कंज्यूम करने का ट्राई करता हूँ, सो दैट कि मेरे बॉडी में शुगर जो जा रही है वो बहुत कम जाए, और वही ट्राई कर रहा हूँ मैं नेचुरल शुगर कंटेंट करने का। तो ये चीज़ें मैंने फ़िलहाल अभी स्टार्ट की है, और अभी ऑफिस का काम तो कर रहा हूँ, बट ये शोल्डर जो है मेरा वो पेन कर रहा है, जो राइट वाला शोल्डर है, और बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है अभी, पता नहीं क्यों। अब देखता हूँ इसके लिए अगर ठीक होता रहेगा तो, या तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा शायद मुझे। तो अभी फ़िलहाल काम करता हूँ, उसके बाद
सो फाइनली अभी मैं खाना खा रहा हूँ और अभी ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 के आसपास हो गया और मेरा यूजुअल टाइम यही है खाना खाने का। और सिर्फ मैं थोड़ा जल्दी या कभी कभार लेट खाता हूँ वीकेंड के टाइम पे। तो मम्मी ने एक्चुअली पाव भाजी बनाई थी कल, बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, मम्मी को भी देखना था। उसने सुबह ही बना ली थी कि वो रात को वापस नहीं बनाएगी उसके लिए। हम लोग ने फिर आज वापस वो बच गई, तो फिर उसको ही हम लोग ने गर्म करके खाया बिकॉज वो ख़राब नहीं हुई थी। बट यार बुरा लग रहा है कि कल इंडिया हार गई, बट हमें ये सिचुएशन में भी उनके साथ ही सपोर्ट करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ नो डाउट दे प्लेड वेल एंड उनको वो ट्रॉफी डिजर्व करती है, वो इतना अच्छा खेले। बट हमें अपनी इंडिया टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए और किसी के से अकाउंट पे जाके, इंस्टाग्राम के अकाउंट पे या ट्विटर पे ट्रोल नहीं करना चाहिए, बस इतना ही बोलूँगा। और देखो दुख तो मुझे भी है, इंडिया हार गई, बट हमारे प्लेयर्स ने इंडिया के टीम के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है और इतना एंटरटेन किया। ऑलमोस्ट 11वीं ये मैच थी जो हम लोग जीतने वाले थे, बट कोई नहीं, 10 की 10 मैच हम लोग ने जीती, 9 मैचेस वो, 10वां सेमीफाइनल और ये 11वीं मैच थी। 11 मैच में से हम लोग 10 मैच ये वर्ल्ड कप में जीते थे। तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, टू इंडिया टीम, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स इंडिया टीम के प्लेयर्स ने तोड़े हैं इस बार, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, टू देम। अभी खाना खा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ। ये शाम के 7 बज रहे हैं एंड मम्मी अभी भी कपड़े इस्त्री कर रही है। देखो मम्मी सो गई थी दोपहर को एंड अभी शाम को वापस उठी अराउंड 5 बजे के आसपास, और वापस उसने 5:30 पौने 6 के आसपास काम स्टार्ट किया। दैट मीन्स 1.5 घंटा हो गया एंड स्टिल शी इज़ डूइंग आयरनिंग ऑफ माई क्लोथ्स, और ऑलमोस्ट कपड़े मेरे आयरन हो चुके हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट कि मेरे कितने हुए और कितने बाकी है। ये देखो इतने कपड़े हो चुके हैं एंड और स्टिल बाकी है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो और यहाँ पे इतने बाकी है और मेरे रूम में और पड़े हैं, ये इतने और अभी भी बाकी है। तो मॉम के लिए एक लाइक डेफिनेटली बनता है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो आयरन है वो ज़्यादा कॉस्टली है, सो मम्मी ने बोला कि मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं आयरन कर देती हूँ तेरे क्लोथ्स। सो मम्मी इज़ डूइंग दैट एंड मैं उससे क्लोथ्स को अरेंज कर रहा हूँ मेरे वार्डरोब में। सो बिग थैंक्स टू माई मॉम, और आप डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर बनता है मेरी मम्मी के लिए। सो फाइनली एक्चुअली मैं नीचे उतरा था, ब्रेक था अभी, मैं नीचे उतरा था गाइस। अभी है कि मम्मी के लिए वड़ा पाव लेने गया था, तो मम्मी के लिए वड़ा पाव ले लिए मैंने, एज उसको नाश्ता करना था तो उसके लिए वड़ा पाव लिया। अभी मैं घर जा रहा हूँ उसको देने के लिए। कभी कभार इट्स ओके कि ये ऐसे वड़ा पाव खाती है सब। मेरा काम अभी एक्चुअली ख़त्म हो चुका है एंड इट्स टाइम टू लॉग ऑफ। तो लॉग ऑफ करूँगा एंड खाना खाऊँगा और फिर थोड़ा चिल करके सो जाऊंगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस व्लॉग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये देखो ये है मेरा आफ्टर 1 मंथ फर्स्ट व्लॉग। अभी मैं ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग अपलोड करने का। होपफुली मैं मैनिफेस्ट भी वही कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपको भी मज़ा आए मेरे कंटेंट के थ्रू। सो इसके लिए आपको चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।